सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 7 बेस्ट बजट 5G स्मार्टफोन अंडर 12,000, जहां पे आपको 12,000 के अंदर 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, 6,000 एमएच का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 44W फास्ट चार्जिंग, उसके साथ साथ 8GB रैम, 256GB रोम मिलेगा, IP64 की रेटिंग मिलेगा, 4K रिकॉर्डिंग वाला कैमरा भी मिलेगा और भी काफी तगड़े तगड़े फीचर मिलने वाले, वो भी सिर्फ 12,000 के अंदर। तो दोस्तों, आपको अगर चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे एक 5G स्मार्टफोन तो वीडियो को फुल देखना, और आप अगर मेरे चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस है Realme की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme Narzo 60X 5G, जो एक 5G बजट डिवाइस है। तो इस डिवाइस पे क्या कुछ मिलते हैं जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक मिलेगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ, वहाँ पे आपको रियर पे राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, दो कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे इस डिवाइस की वेट ओनली 190 ग्राम है, जो काफी हल्का है। बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो इस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी डिवाइस पे प्रोवाइड नहीं करता। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 नीट पिक ब्राइटनेस मिल जाएगा, जो आउटडोर पे आपको काफी मदद देने वाला है। और दोस्तों, बात किया जाए इस डिवाइस की कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। और दोस्तों, इससे आप 1080p 30 fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30 fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट, जो एक 5G चिपसेट है। हाँ दोस्तों, ये डिवाइस एक 5G डिवाइस है। और दोस्तों, वहीं पे बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB+128GB होगा, उसके साथ साथ एक 6GB+128GB वेरिएंट मिल जाएगा। वहीं पे इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है विद 33W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से 1-50% चार्ज सिर्फ 29 मिनट होने वाले, जो काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी में इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी मिल जाएगा। एक डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 13 रियलमी UI 4.0 पे। इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डुअल नैनो सिम की सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों, ये तो इसके सभी फीचर। आप बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो दोस्तों, इसकी जो 4GB+128GB वाला वेरिएंट है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 12,000 है, और वहीं पे बात करें 6GB+128GB वाला वेरिएंट उसकी प्राइस अभी 13,500 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये डिवाइस होने वाला है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3X 5G, जो इंडियन मार्केट पे काफी पॉपुलर सा एक सीरीज है। तो सबसे पहले बात करें इसके लुक एंड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलने वाले रियर पे, जहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा प्लास्टिक बैक के साथ। डिवाइस की वेट होने वाले 199 ग्राम, तो थोड़ा सा हैवी है। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी तगड़ी है। और दोस्तों, इसके बाद बात किया जाए डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.72 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले, डिवाइस काफी स्मूथ होने वाले। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको 1000 नीट पिक ब्राइटनेस मिलेगा, तो आउटडोर पे भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। डिस्प्ले की बात किया जाए इसके कैमरा के बारे में, तो कैमरा सेटअप भी काफी तगड़े है। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाले, जिससे आप 4K 30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आप इस कैमरा से 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे वीवो फर्स्ट टाइम करने वाला है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी दिया गया है। वही पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जिससे भी आप 1080p 30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी तगड़ी है, और वीडियो भी आप 4K तक शूट कर सकते हो। तो इस डिवाइस को आप व्लॉगिंग या फिर कैमरा सेंट्रिक मोबाइल के हिसाब से भी बाय कर सकते हो। मुझे लगता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है। और दोस्तों, ये डिवाइस कैमरा के साथ साथ परफॉर्मेंस वाइज भी काफी तगड़ी है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 6Gen 1 चिपसेट, जो 4nm पे बेस्ड है। और दोस्तों, ये एक 5G चिपसेट है, जिसके एंटूटू स्कोर
5,60,000 से भी ऊपर है। तो आप समझ सकते हो इस प्राइस पॉइंट पे इतना पावरफुल सा एक चिपसेट मिलने वाला है जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देगा। दोस्तों इस डिवाइस को आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, हाई लेवल की गेम आप इस डिवाइस पे प्ले कर सकते हो। बात किया जाए रैम रोम की तो यहाँ पे आपको तीन ब्रांड मिलने वाले हैं, जहाँ पे बेस ब्रांड 4GB 128GB 6GB 128GB और 8GB 128GB मिलने वाले हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाइक कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। और दोस्तों नेक्स्ट इस डिवाइस पे आपको और एक हाइलाइटेड फीचर मिलेगा, जहाँ पे इस डिवाइस पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा, उसके साथ साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग भी रहेगा, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी मेन फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके अदर छोटे मोटे फीचर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक यहाँ पे मिलेगा, उसके साथ साथ ये डिवाइस डुअल स्पीकर के साथ आने वाले है। हाँ दोस्तों स्टेरियो स्पीकर के सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और फन टच ओएस 14 पर रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस ब्रांड 4GB 128GB वाला ब्रांड है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 13,500 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्राइम 1000 से 1500 तक डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 12,000 के आसपास आ जाते हैं। वही पे 6GB 128GB का प्राइस है 14,999 और 8GB 128GB का प्राइस है 16,500, सेम डिस्काउंट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो। दोस्तों ये डिवाइस आता है मोटोरोला की तरफ से, न्यूली लॉन्च डिवाइस मोटो G34 जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो क्या कुछ मिलता है इस डिवाइस में, एक एक करके डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो काफी प्यारा सा है, और दोस्तों यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिलेगा जो काफी प्रीमियम फील देगा इस डिवाइस को। वहीं पे बात करें फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले विथ 120Hz रिफ्रेश रेट। हाँ दोस्तों 10,000 के अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये डिवाइस काफी पावरफुल होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है, और मुझे इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात लगी इस डिवाइस में आपको 13 5G बैंड मिल जाएगा, जो इंडिया की सभी 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों वही पे बात करें रैम रोम की, तो आपको बेस ब्रांड पे 4GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों इस डिवाइस पे आपको स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया, जो भी इस डिवाइस को काफी यूनिक बनाता है इस प्राइस पॉइंट पे। वहीं पे बात करें कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2MP का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। इस डिवाइस पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिल जाएगा विथ 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 वर्जन पे रन होगा, जो भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों ये डिवाइस IP53 की रेटिंग के साथ आने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही देख सकते हो फीचर आपको प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे अच्छे मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो करंट टाइम में इसकी जो प्राइस वो 11,000 रहता है बेस ब्रांड का, और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस अंडर 10,000 आ जाता है। तो 10,000 में काफी अच्छा सा और शानदार सा डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Redmi 12 5G, जो इंडियन मार्केट पे काफी पॉपुलर हुआ था जब ये लॉन्च हुआ था। दोस्तों बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है, जिसकी मदद से इमोबाइल काफी प्रीमियम इन हैंड फील देगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.79 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा विद 550 निट पीक ब्राइटनेस। वहीं पे बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला स्नैपड्रैगन 4Gen 2 5G चिपसेट जो 4nm पे बेस है, जिसके एंटूथ स्कोर 4 लाख के आसपास है।
प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस डिवाइस पे आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 4GB रैम 128GB रोम मिलेगा बेस ब्रांड पे। बात करें कैमरा की तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का है। उसके साथ साथ आपको 2MP का एक डेप्थ कैमरा मिल जाएगा। मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 8MP का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा विद 18W फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों इस डिवाइस में आपको IP53 का रेटिंग मिल जाएगा, जिसकी मदद से ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 MIUI 14 पे रन होगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस पे आपको तीन वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 4GB प्लस 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 12,000 है। उसके साथ साथ जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 13,500 है। और जो 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 15,500 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी को भी चूज कर सकते हो। बात करें सेल की तो अगर बड़ा सेल होता है तो जो रेडमी 12 5G की बेस ब्रांड है उसकी प्राइस 10,000 के आसपास आ जाता है। नॉर्मल टाइम पे आपको 500 टू 1,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अंडर 12,000 पे आप अगर बेस्ट प्रीमियम एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो आप जरूर जा सकते हो रेडमी 12 5G के साथ। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस और फीचर भी काफी तगड़ी मिल जाता है। तो दोस्तों ये डिवाइस है पोको की तरफ से न्यूली लॉन्च पोको M6, जो एक 5G डिवाइस है। तो एक एक करके सभी डिटेल्स को जान लेते हैं। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.74 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 600 नीट पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट, जो 6nm पे बेस है और ये 5G चिपसेट है। और वहीं पे बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे 4GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होगा। उसके साथ साथ एक 0.08MP का एक कैमरा भी मिल जाएगा। तो मेन कैमरा से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 5MP का एक फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विथ 18W चार्जिंग। तो चार्जिंग भी ठीक ठाक सा है। और दोस्तों इस मोबाइल की पर्सनल मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी कलर। यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट मिलेगा, एक तो होगा गैलेक्टिक ब्लैक और ओरियंट ब्लू। मुझे जो ओरियंट ब्लू वो काफी अच्छा लगा लुक वाइज। और दोस्तों इस डिवाइस पे एंड्रॉइड 13 रन होगा, MIUI 14 चलेगा। तो दोस्तों ये तो क्या इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। बात किया जाए इसकी 4GB 128GB की प्राइस के बारे में तो उसकी करंट टाइम पे प्राइस 9200 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 8000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए 8GB 256GB की प्राइस के बारे में तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 10500 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद उसकी भी प्राइस 9500 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये भी काफी अच्छा सा एक ऑप्शन है। आपको अगर चाहिए 8GB 256GB वाला डिवाइस तो भी आप इस वेरिएंट को बाय कर सकते। तो दोस्तों ये डिवाइस आता है Realme की न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme C67 5G, जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो बिना टाइम वेस्ट के एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। हाँ दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे 120Hz रिफ्रेश रेट काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 600 नीट पीक ब्राइटनेस भी मिलेगा। वहीं पे बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको राउंड शेप पे डुअल कैमरा सेटअप बैक पे मिलेगा, और जो बॉडी होगा वो प्लास्टिक का होगा। तो लुकिंग वाइज ये डिवाइस काफी अच्छा और काफी एक फ्यूचरिस्टिक सा लुक देता है। और दोस्तों वहीं पे बात करें अदर फीचर की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे डुअल कैमरा सेटअप, जहाँ पे मेन कैमरा 50MP का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ एक 2MP का डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट
कर सकते हो। बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट जो 6 nm पे बेस्ड है। और दोस्तों यहाँ पे आपको रैम रोम मिलने वाले दो वेरिएंट पे, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB प्लस 128GB होने वाले है, वही पे सेकेंड वेरिएंट आपको 6GB प्लस 128GB होगा। और दोस्तों बात करें बैटरी की, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 33W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से आप 1-50% चार्ज सिर्फ 30 मिनट पे कर सकते हो। वहीं पे बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है इस डिवाइस पे। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको IP53 का रेटिंग भी मिल जाता है, जिसके मदद से ये वाटर और स्वेट और स्प्लैश प्रूफ भी है। ये डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 13 और रियलमी UI 4.0 पे। तो दोस्तों ये तो हो गया रियलमी C67 की सभी फीचर। आप बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो दोस्तों इसकी जो बेस ब्रांड 4GB प्लस 128GB का नॉर्मल टाइम पे प्राइस 13,000 रहता है, वही पे जो 6GB प्लस 128GB है उसकी प्राइस 14,500 रहता है। पर मैक्सिमम टाइम कोई भी सेल पे यहाँ पे आपको 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि देख सकते हो करंट टाइम पे एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड पे 1600 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 11,400 हो चुका है। तो इस प्राइस पॉइंट पे रियलमी की A1 5G डिवाइस काफी अच्छा है, तो इसके साथ आप जरूर जा सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है IQ की तरफ से IQ G9X, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक मिलेगा। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। डिवाइस की वेट है 199 ग्राम, जो डिवाइस काफी हल्का है। बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिलने वाले। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 nit पीक ब्राइटनेस भी मिलेगा, जो आउटडोर पे आपको काफी मदद करने वाला है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी पैच वन की सबसे काफी शानदार है। सिर्फ डिस्प्ले नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरा भी काफी तगड़ी मिलने वाले। यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। मेन कैमरा से आप 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, अंडर 13,000 की डिवाइस में आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। बात किया जाए फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। बात किया जाए डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो डिवाइस काफी पावरफुल है। यहाँ पे आपको मिलने वाले स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट, जिसके एंथ्रेडो स्कोर 5,60,000 से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो परफॉर्मेंस वाइज ये काफी तगड़ी एक डिवाइस है। यहाँ पे आप हाई लेवल की गेम भी खेल सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6000mAh का लार्ज बैटरी विथ 44W फास्ट चार्जिंग, जो अंडर 13,000 में कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा, जो इस डिवाइस को काफी पावरफुल बना देता है। उसके साथ साथ और एक अच्छी बात ये है, इस डिवाइस पे आपको IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाला है एंड्रॉइड 14 पर। तो दोस्तों ये तो होगा इसी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB 128GB का प्राइस होने वाला है 13,000, जहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद इसकी जो बेस ब्रांड उसके प्राइस अंडर 12,000 पे आ जाता है। तो इस प्राइस में काफी पावरफुल सा एक डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। उसके साथ साथ दो अदर वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 6GB 128GB का प्राइस 14,500 है, 8GB 128GB का प्राइस 16,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाइक कर सकते हो।